अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं, अच्छी दिख रही हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग अपना फाइनल लोकेशन में पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। हमारे रेसिपी के लिए हम लोग आलू बॉयल कर लिए हैं, जो कि अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, और इसे छील के इस कटोरे में रख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, आलू को अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। इसको जो बॉयल किया हुआ आलू मैंने पहले से रखा हुआ था, उसको अच्छे से मिलाना है, इसको अच्छे से इसका टो बनाना है। तो दोस्तों, बादाम को भूनने के लिए थोड़ा सा सरसों का तेल लिया हुआ है, और ये अच्छे से गर्म हो गई है। अब इसे चलिए बादाम डालते हैं। तो दोस्तों, कटलेट बनाने के लिए हमने सारा मटेरियल तैयार रखा है। जैसे आप देख ही सकते हैं कि अदरक है, लहसुन है कटा हुआ, मिर्च है, इसको हमने छोटे छोटे काट लिया, गाजर को, धनिया पत्ता है, ये बीट देख सकते हैं इसको काटा हुआ है मैंने पहले से, प्याज है और बीन है। तो चलिए इसका मसाला तैयार करने के लिए कढ़ाई अब जो गर्म हो चुकी है, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं तेल गर्म हो गई है, और जो हमने पहले से मटेरियल को काटा हुआ है, चलिए धीरे धीरे डालते हैं। तो देख सकते हैं अदरक है, लहसुन है, इसको पहले दे देते हैं और 10 सेकेंड तक इसको भूनते हैं पहले। इसमें मिर्च डाल दिया मैंने, ज्यादा भुनना नहीं है। हमने प्याज डाल दिया है, अब हमने बीन को डाल दिया है, और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। बीन अच्छे से भून लिया हमने, और इसे फिर चलिए गाजर इसमें डाल देते हैं, और बीन जो काटा हुआ है वो डाल देते हैं, और इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए। इसे 2 मिनट भूनने के बाद इसमें जो हमने मसाला पहले से निकाल के रखा है, जीरा, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, गोलकी पाउडर और नमक, इसे चलिए डालते हैं। और लास्ट में नमक स्वाद अनुसार, और इसे अच्छे से मिलाते हैं। मसाला अच्छे से भुनने के बाद हमने जो बॉयल किया हुआ आलू पहले से रखा हुआ था, मैश किया हुआ था, उसको चलिए डाल देते हैं, और इसे फिर अच्छे से मिलाते हैं। तो वो कटलेट के लिए हमारा मसाला तैयार हो गया है। इसमें ऊपर से हमने जो पहले से जो बादाम को भून के रखा हुआ था, चलिए उसको डालते हैं, और इसे अच्छी तरह से मिला देते हैं। मसाला बहुत ही लजीज लग रहा है देखने में कटलेट का, और हमने जो बादाम डाला हुआ था उसको अच्छे से मिला लिया है। अब इसे लास्ट में धनिया पत्ता को ऊपर से डाल देंगे, ऐसे मिला देंगे। चलिए दोस्तों, ये बन के तैयार हो गया, अब इसे उतारते हैं। हमने मैदा को ले लिया है, और इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे, और जो हमने टो बनाया था उसे ठंडा होने के लिए दे दिया है, तो उसको इसमें डुबा डुबा के छानेंगे। तो मैदा को हमने टो में लपेटने के लिए ले लिया है, और इसे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, ना ही ज़्यादा गाढ़ा करेंगे, ताकि अच्छी तरह से मिलाएं, जो ब्रेड क्रम्स है वो अच्छे से चारों तरफ चिपक जाए।
आप जैसे चाहें वैसे शेप में इसे कर सकते हैं। तो देखिए ये जो टो हमने पहले से ठंडा होने के लिए रखा हुआ था, अब इसे हमने मैदे के घोल में रखेंगे, इसे अच्छे से डुबाएंगे और उसके बाद जो ब्रेड क्रम जो है हमारा उसमें अच्छे से लपटेंगे। इसे छुए ना, और इसे अच्छे से इस तरह आप कर सकते हैं, ये चारों ओर लपेट ले जाएंगे और इसे रखते जाएंगे। इसमें हमने रिफाइंड तेल डाल दिया है, अब इसे अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए अब इसे तलते हैं। तो दोस्तों इसे आधे घंटे ठंडे होने के बाद इसे फिर से तेल में तलने जा रहे हैं ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक सके। चलिए तलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये अच्छे से क्रिस्पी हो गई है, अच्छी दिख रही है। चलिए अब इसे निकालते हैं। कैसा लगा संदीप? टेस्ट तो बिल्कुल लाजवाब है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। चलिए ठीक है। और पीयूष भाई साथ में? क्रिस्पी बहुत बढ़िया है, अच्छा क्रिस्पी है, अच्छा लग रहा खाने में। चलिए ठीक। राजू आप बोलिए। दोस्तों का प्यार इसमें मिला हुआ है इसीलिए बहुत स्वादिष्ट है। चलिए ठीक है। चलिए आप भी टेस्ट कीजिए उदय जी और बताइए कैसा बना हुआ है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अगर ये आपको रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू। बाय बाय।